नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए शुरुआत करेंगे 22 जिले 22 खबर की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि अध्यादेश को लेकर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसान मामले पर सड़क की राजनीति कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस जो है रास्ते जाम करके, हाईवे जाम करके, पत्थरबाजी करके, गोलीबारी करके लाशों की राजनीति करना चाहती है। और अभी कांग्रेस ने अगला कदम, मैं पहले बता देता हूँ कि अब मंडियाँ चलनी हैं, किसान की फसल खरीद होनी है, किसान के जेब में डायरेक्ट पैसा जाना है। सारी मंडियाँ, पहले भी हमने मंडी चलाई थी गेहूँ की, सरसों की, तब भी मंडियाँ बंद करने की कोशिश की। अब ये आह्वान करेंगे कि भी मंडियों में परचेज ना हो। और मैं आज का धन्यवाद अदा करता हूँ कि बहुत सारे किसानों ने कोई बंद का कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। कुछ कांग्रेस के हितैषी संगठन हैं, उन्होंने जरूर सड़कों में जाम करने की कोशिश की, प्रशासन ने लेकिन संयम का परिचय दिया और आज कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कांग्रेस जो है जनता के मैंडेट को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। पार्लियामेंट में दो बार देश में बुरी गत उसकी लोगों ने बढ़ा दी है और वो सड़क में पत्थरबाजी करके, गोलीबाजी करके लाशों की राजनीति करना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान का मतदाता बहुत समझदार है, एक एक चीज़ को ध्यान में रख के इसका सही वक्त पे सही जवाब दे। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, जबकि कृषि बिल किसानों के हित में है। उनसे बात की है हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। कुरुक्षेत्र के बीजेपी के सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। जिस तरह से किसानों का मुद्दा चला हुआ है सर, कई सारी शंकाएं हैं। विपक्ष कह रहा है कि सबसे बड़ी बात तो एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि किसान की मजबूती के अंदर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, किसान को मोदी जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मोदी जी की ये सोच है, रही है जब से 2014 से उन्होंने हरियाणा के अंदर, देश के अंदर जब से उन्होंने सत्ता को संभाला, उससे पहले किसान की स्थिति क्या थी। झूठे आश्वासन दिए जाते थे कांग्रेस के द्वारा, और इस प्रकार के आश्वासन दिए जाते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, उसकी कमेटी तक बनाई गई, कमेटी बना करके भी उसको लागू नहीं किया गया। किसानों को भ्रम में रख करके, उनका शोषण करके, उनका उपयोग करते रहे। लेकिन सवाल यही है कि आप बिल में या अध्यादेश में ये क्यों नहीं, गारंटी क्यों नहीं दे देते हैं कि एमएसपी इतना ही रहेगा चाहे किसान कहीं भी बेचे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो ये अध्यादेश आए हैं ये किसान की जीवन के बदलाव के अंदर एक क्रांतिकारी कदम लेकर के ये अध्यादेश आ रही है। तो फिर इतनी शंकाएं क्यों हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार का भ्रम विपक्ष ने फैलाया है और जिस प्रकार की बात उन्होंने की है, मैंने कहा भी है, मैंने शुरू में जब ये बात शुरू की थी मैंने उस समय ये बात कही थी कि देश के किसान को, हरियाणा के किसान को मोदी जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की एक सोच है, उनकी सोच है कि किसान को मजबूत करना है। उन्होंने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा करके अपने इस कार्यकाल के अंदर दिया। आप पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, 2014 से पहले क्या एमएसपी था और 2014 से लेकर के 2020 कितनी बढ़ोतरी किसान की फसल के अंदर की गई। और उसके बावजूद भी अलग से, जैसे हमारा हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कई और जो किसान की फसलें थी, चाहे वो बाजरा था, चाहे वो मूंग थी, चाहे वो मक्का था, चाहे वो सूरजमुखी थी, उसको भी एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम पहली बार अगर किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अरे, कांग्रेस के लोग ये बात बताएं, कांग्रेस के लोग हरियाणा प्रदेश के किसान को ये बात बताएं, देश के किसान को कांग्रेस के लोग ये बात बताएं कि हमारी सरकार के अंदर हमने एमएसपी के ऊपर इतना सामान, इतना किसान का
जो पैदावार है उसको हमने एमएसपी के ऊपर खरीदा है, और किस प्रकार से किसान को, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है, ये हमें समझना होगा, ये किसान को समझना होगा, किसान को विचार करना होगा कि ये लोग इस प्रकार से किसान को कमजोर करते हैं, क्यों कमजोर रहे और वो हमारी जय जयकार करता रहे, ये कांग्रेस की चाल है और इस चाल को किसान को समझना होगा। नायब सिंह सैनी बीजेपी के सांसद कुरुक्षेत्र से कहना है कि दरअसल सवाल हम पे जो उठ रहे हैं, हम सवाल करते हैं कि आखिर कांग्रेस विपक्ष ने किसानों के लिए किया क्या, हम तो किसानों के लिए अध्यादेश लेके आए हैं, उसे मजबूत करने के लिए आए हैं। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं किसान अध्यादेश के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये सब विपक्ष की चाल है। उन्होंने कहा कि किसानों की शक्ल में ज्यादातर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अध्यादेशों को लेकर आज हरियाणा के अंदर कई जगह किसानों ने बवाल काटे, रोड रोके, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, काफ़ी उग्र प्रदर्शन कई जिलों में देखा गया और कई जिलों में जैसे कि फरीदाबाद है, पलवल है, यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति सामने नहीं आई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है मिलाजुला असर किसानों के इस प्रोटेस्ट का रहा है हरियाणा के अंदर। और आखिरकार इस प्रोटेस्ट के पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस अध्यादेश को किस नजरिए से देखते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है। जो अध्यादेश है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से एजिटेशन और विरोध प्रदर्शन हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिले हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, जो अध्यादेश जो केंद्र जो पास हुआ है ये आने वाले समय किसानों के लिए लाभकारी होगा, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसान अपनी फसल को अपना कीमत रख सकता है, अपने भाव से बेच सकता है और किसी भी मंडी में बेच सकता है। पहले मंडी से बाहर नहीं, किसान नहीं बेचता था, आज मंडी से बाहर बेच सकता है, अपने ज़िले में कहीं बेच सकता है, दूसरे प्रदेश में भी जाके अपनी फसल बेच सकता है और मन चाहे अपने भाव ले सकता है। क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश का जो गेहूँ है, आज भी जो MP का जो गेहूँ है, आज भी उसका आटा 3500 रुपये मिलता है, 2500 रुपये किलो, 2500 क्विंटल आज भी है, तो किसान को बरकरारने का जो काम कर रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि बिल पास होते ही कहा कि हरियाणा में किसी भी कीमत पर ये तीनों बिल लागू नहीं होने देंगे, और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस मामले में स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि ये किसान विरोधी बिल है। बहुमत है, बहुमत के सिर पे वो कर रहे हैं, लेकिन ये किसान विरोधी बिल है और इससे किसान का और व्यापारी जो आड़ती हैं और मजदूरों का अहित है। ये बीजेपी को भी चाहिए बिल्कुल ना लागू करें, हरियाणा में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन का भी स्पीकर का लिख के भेजा है, गवर्नर को भी आग्रह किया है स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसका डट के विरोध करेंगे। कोई वायदा नहीं किया उनको, प्रधानी में से प्रदर्शन करें, हमने तो बल्कि विस्तार किया था जो ये मंडी जो है इसको APMC एक्ट को करके और दूर तक दूरगामी जो किसान नजदीक से नजदीक उसका विस्तार करेंगे और MSP देंगे। अब मेरे को कोई नहीं, इन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लेके आए, चौथा ही ऑर्डिनेंस ले आए कि अगर मंडी से बाहर भी कोई खरीद करेगा और MSP उसको देनी पड़ेगी, MSP से कम देता है तो उसको पनिशेबल इन लॉ कर दें, उनको कानूनी दायरे में लेके उनको सजा दें, कोई बात नहीं। MSP के आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री, MSP लागू रहेगा, MSP मंडियों में लागू रहेगा, मंडी से बाहर जो है कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऊपर कोई लागू नहीं, वो कर दे प्रावधान कर दे, मेरे को मंजूर होगा। लीगल प्रोसीजर उसमें एक चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए कि बाहर कोई भी मंडी से बाहर भी कोई खरीद करेगा उस पर MSP लागू होगी, और C2 फार्मूला जो इनके इनका वायदा था स्वामीनाथन कमेटी पे उसके ऊपर खरीद। यमुनानगर में चोल प्लाजा पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आज बंद को लेकर किसान यूनियन ने यमुनानगर के टोल प्लाजा पर जाम लगाया। 12 से 3 बजे का जाम था, जिसमें हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ोनी
खुद पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हालांकि किसानों को जो दिक्कत हो रही है और जो सरकार है वो तो इसके फायदे गिना रहे कि क्या फ़ायदा है, लेकिन असल में जो ये किसानों के लिए नुकसान में अध्यादेश है जो कानून में बदले जा रहे हैं, हालांकि इसके बाद जो कानून का रूप धारण करने से पहले उनका विरोध, अब तो वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, फिर आम आदमी का विरोध करेंगे, चाहे उनके लाठी खानी पड़े, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो विरोध से पीछे नहीं हटेगा। उनका यही कहना है कि जो सरकार है वो चंद लोगों के फायदे के लिए किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या आपके पीछे जो कांग्रेस पार्टी है, जो अन्य पार्टियां लगी हुई हैं जिन्होंने ये आंदोलन राजनीतिकरण कर दिया, तो उन्होंने कहा कि उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई आदमी किसी पार्टी में नहीं है, ये तो उनका एक किसानों का आंदोलन है, वो किसानों के लिए करते रहेंगे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। करनाल में भी कृषि बिल के विरोध में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। किसानों का प्रदर्शन कृषि संबंधित बिल राज्यसभा में पास होने को लेकर हुआ है। जिले में आज किसानों का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, किसी भी जगह ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी जहां पर कोई कानूनी कार्रवाई का कोई भी प्रावधान हो, परंतु आज 7 जगह किसानों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सड़क जाम करने के आह्वान पर कई जगह सड़क जाम भी की गई। SP सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि 700 जवानों को सभी नाकों पर व संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था ताकि कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे। उन्होंने कहा था कि जो भी कोई कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, परंतु किसानों के संगठन द्वारा व आढ़तियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया गया। सभी ने शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि जो अध्यादेश सरकार द्वारा 3 जारी किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। इसी को लेकर किसान आह्वान कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक यह अध्यादेश निरस्त नहीं करती, वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल से KCRA, इंडिया न्यूज। अम्बाला में किसानों ने हाईवे जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किसानों के प्रदर्शन की है जिसमें आप देखिए कैसे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई और इसी बीच पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जींद में नेशनल हाईवे 352 पर किसानों ने जो जाम लगाया था वो खोल दिया गया है। किसानों ने सरकार से अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग की है। वहीं सरकार लगातार किसानों को समझाने में जुटी है कि ये बिल किसानों के हित में है और इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सरकार प्रदर्शन के लिए लगातार विपक्ष को दोषी ठहरा रही है। तो आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है इस बिल को लेकर, नारेबाजी करते हुए किसान नजर आए। उधर कैथल में स्कूल खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और छात्रों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे हरियाणा में 21 सितंबर को 9वीं कक्षा से लेकर प्लस 2 की कक्षा तक के सभी स्कूल खोलने के सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं और उन आदेशों में जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन में ये दिया गया है कि जब भी स्कूल में बच्चे एंट्री करें, टीचर एंट्री करें, अध्यापक एंट्री करें तो मास्क और सैनिटाइज करके ही स्कूल के अंदर एंट्री की जाएगी। जब इस बारे में कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर सरोई से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमने बच्चों के अभिभावकों से एक लिखित में उनको अभिभावकों को दिया हुआ नोटिस दिया हुआ है कि अगर आप बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार हैं तो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सुरेश रोई अधिकारी शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये है कि सभी जो अध्यापक हैं उनका COVID-19 का टेस्ट किया जाएगा और बच्चे हैं जो बच्चों को 8-6 फुट की दूरी पर बिठाया जाएगा और काफ़ी समय से जब स्कूलें बंद थे तो बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऑनलाइन की कक्षा के दौरान बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे, बार बार अभिभावकों की शिकायत भी स्कूल के अध्यापकों के पास आ रही थी और जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने ये गाइडलाइन जारी की है कि अब 9वीं कक्षा से लेकर प्लस 2 की कक्षा तक के स्कूल ओपन किए जाएंगे। मैं दिखाना चाहूँगा कि कैथल का गवर्नमेंट